हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैष्णवी। और क्या आप भी उन मिथ्स को फॉलो करते हो जो वाकई में इस ज़माने में कोई काम का नहीं, यानी इन मिथ्स को फॉलो करके इस एडवांस सेंचुरी में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला? अगर आपको जानना है क्यों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ बताया है आगे। तो चलिए, हम सब जानते हैं कि अगर घर का कोई सदस्य अंतिम संस्कार पे जाकर आए तो तुरंत बिना किसी चीज को छुए या देखे कुछ पानी के बूंदे छिड़क कर वो नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि उस डेड पर्सन की स्पिरिट हमारा पीछा कर सकती है। और तभी तो हम मासूम बच्चे थे, हमने ये मान लिया। लेकिन इसके पीछे ऐसा क्या लॉजिकल रीजन है जो ये करना बिल्कुल सही है? वो ये है कि जब भी लोग शव को कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, उस समय शरीर और हाथों के द्वारा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन के वक्त शव को डिकम्पोज करने में मदद करती हैं, उनके हाथों से फ्यूनरल में आए सभी लोगों पर आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आने के बाद तुरंत बात लेना बहुत ज़रूरी होता है, ना ही बल्कि आत्मा का पीछा छुड़ाने। अगर हम ऐसा साइंटिफिक रीजन देते तो कौन मान लेगा? इसलिए हमारे होशियार पूर्वजों ने ये प्रथा बनाई थी। तो ऐसा क्या हो गया, कई भूत भूत तो पीछे नहीं पड़ेंगे? रोमन्स का कहना था कि जब भी मिरर या फिर ग्लास गिरकर टूट जाए तो 7 जन्मों तक बैड लक उनका पीछा करती है। इस बैड लक के इफेक्ट्स को कम करने के लिए पहले के लोग लेफ्ट शोल्डर पर नमक छिड़कते थे। अब पता लगाते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले के ज़माने में मेडिसिन सबके नसीब में नहीं हुआ करता था, और गलती से भी अगर किसी के भी पैर में शीशा चुभ जाए तो ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता। उनकी अगर ये छोटी सी करुश बड़ा सा बड़ा रूप लेकर कभी कभार लोगों के जान पे गए थे, बस इसी एक कारण से लोग बैड लक बोल के शीशा टूटने से घबराते थे। तो नमक शोल्डर पर डालने से ऐसा क्या हो जाता है, चलिए जानते हैं। उसी नमक के क्रिस्टल पार्टिकल से ग्लास के पीस को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता था। बस इन छोटी सी चीज़ों का इस्तेमाल करके पहले लोग अपनी ज़िंदगी काट लेते थे। लेकिन आज तो हमारे पास लकीली सभी सुविधा है, लेकिन फिर भी हम इन मिथ्स को फॉलो करते हैं। Why should we not sit and eat on bed? हमने अक्सर मम्मी से डांट खाई है कि जब भी लैपटॉप लिए बेड पर खाना खाने गए तो वो मना करती थी। लेकिन इसके पीछे ऐसा क्या लॉजिक है जो बिल्कुल सही है? और वो ये है कि दोस्तों, बेड पर बैठने से हम टायर्ड फील करने लगते हैं, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और साइंस के हिसाब से अगर हम ऐसा करेंगे तो जिस बेड पर हम सोने जाएंगे हमें वहाँ पे नींद नहीं आएगी। अरे रीज़न तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसे ही नेटफ्लिक्स देखते देखते खाना नीचे गिरा दोगे तो रात को चींटियाँ आपको कैसे सोने देगी? अरे संभल के, वहाँ पे छिपकली है। अरे बेटा मत छूना, वो जहरीला होता है। हाय राम, छिपकली गिर गई तेरे पर, जाके नहा लो और हनुमान चालीसा पढ़ लो। क्या आपने भी ये सभी चीज़ें महसूस की हैं? अगर यस, तो अगली बार आपके दिमाग में ऐसी कोई शक की सुई नहीं होगी जो बेचारे लिजार्ड को तंग करेगी। लोग इतने चिपकले से डरते क्यों है यार? इनफैक्ट लिजार्ड खुद ही टिमिड और शाई क्रिएचर है, जो आपसे पहले खुद से डर भाग जाएगी। चिपकली पर तो बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन इन 3 मिथ का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, इज इट पॉइजनस? बिल्कुल नहीं। स्पेशली लिजार्ड जो एशियन होम में मिलता है, इसकी स्पीशीज में 1% भी पॉइजन नहीं होता, ना ही वो काटता है और ना ही कोई डिसीज ट्रांसमिट करता है। नंबर 2, अगर जेको आपके या मेरे शोल्डर या फिर हाथ पर गिरता है तो उसे कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उसकी स्किन में ऐसा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद नहीं होता जो इन्फेक्शन करे। और तो और, उसके गिरने या ना गिरने से थोड़ी ना हम अनलकी हो जाएंगे। नंबर 3, एक और एक चीज़, जब भी चिपकली की आवाज़ हम सुनते हैं तो न जाने लोग क्यों बोलते हैं कि ये सत्य है या फिर कुछ बुरा होने वाला है। अरे दोस्तों, ये साउंड करना तो उनका हैबिट है। आई होप इसके बाद आपको लिजार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड हैंगिंग लेमन एंड चिली? किसी ने खूबी कहा है, वन शुड ऑलवेज फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड एनी सुपरस्टिशन बिफोर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, राइट? लेमन एंड चिली, इन दोनों का स्वाद खाने में तो बखूबी अच्छा होता है, पर ये दुकान के बाहर, घर के बाहर या फिर गाड़ियों पर क्यों लगाया जाता है? जनरली रीजन तो एक ही है कि सायन या फिर बुरी नज़र से बचने के लिए,
बट साइंटिफिकली इसका रीजन कुछ और है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए दुकान या घर पर मच्छर, फ्लाइज, इन्हें भगाने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं थे। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स लिंबू मिर्च को एज अ इंसेक्टिसाइड यूज करते थे, ताकि सांप, छिपकली, लेमन और चिली के स्मेल से अंदर ना आए। तो आप पूछेंगे गाड़ियों पर क्यों लगाया जाता था, गाड़ी के अंदर तो मच्छर नहीं आ सकते। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। सदियों वर्ष पहले जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम गांवों तक नहीं अवेलेबल था, तब लोगों को बैलगाड़ी या फिर पैदल ही सफर करना पड़ता था। तो अगर अनजाने में सांप या फिर किसी बिच्छू ने काट लिया, तो मिर्च काटकर पता किया जा सकता था कि उनके शरीर में पॉइजन तो नहीं। अगर जहर फैल जाती तो उन्हें टेस्ट फील नहीं होता था। लींबू रखने के पीछे भी एक वजह है, और वो ये है कि लेमन इज गुड हाइड्रेटिंग एजेंट, जिससे उनकी थकावट भी दूर हो सकती थी। बस इन्हीं कुछ कारण से लेमन और चिली यूज करने की शुरुआत की थी, न ही भूतों से पंगा लेने या फिर भगाने के लिए। अगर आज का यह वीडियो आपने एंजॉय किया हो तो लाइक जरूर करना, और जाते समय दान पेटी में सब्सक्राइबिंग और बेल बटन जरूर डालते जाना। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।